नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ सीएए से संबंधित 144 याचिकाओं पर सुनवाई की और इनमें अधिकतर याचिकाएं सीएए के खिलाफ हैं, जबकि कुछ याचिकाएं सीएए के समर्थन में भी डाली गई हैं। मुस्लिम लीग, पीस पार्टी, असम गण परिषद, जयराम रमेश, केरल सरकार सहित अन्य ने यहां पर चुनौती दी। आपको बता दें 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं एक बार फिर आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया है।